जिसमें से शायद दो मुल्क से बाहर हैं, तीन मुल्क से बाहर हैं और बाकी दो का इंतज़ार है और वो इंशाल्लाह अगले आध घंटे एक घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर आरिफ अलवी इंशाल्लाह शाम तक डिक्लेयर्ड विनर होंगे और हम ये समझते हैं ये एक बड़ा खुशाइंद मौका होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि सदर मोहतरम वो भी तहरीक इंसाफ से, वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के और माशाल्लाह दो सूबों के अंदर पीटीआई की हकूमत और एक जगह हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ हम एक अलायंस का हिस्सा हैं बलूचिस्तान में। तहरीक इंसाफ इस इंतखाबी अमल के मुकम्मल होने पर बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कह सकती है कि हम पाकिस्तान के चारों सूबों में वो वाहिद जमात हैं जिसकी नुमाइंदगी है, जिसने हर सूबे से MNA भी भेजा और MPA भी है। ये इस वक्त पाकिस्तान की कोई और जमात क्लेम नहीं कर सकती। दूसरा मरहला ये था कि सिंध में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा। हमने अपने अलायंस के पार्टनर्स GDA और MKM से ये बात तय हो गई थी कि सबसे बड़ी जमात होते हुए सिंध में ऑपोजिशन की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PTI का नॉमिनी होगा। पार्लिमानी असूलों